धन वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दोए कर जोड़ मांगू एक दाना साहिब तुठै पावा सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखखाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एके उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई इक अरदास पाठ कीरत के गुरु रामदास रखो शरणाई इक अरदास पाठ कीरत के गुरु रामदास रखो शरणाई सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਜਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੈ ਥਨੋ ਬਿਟਾਰਿਓ ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੈ ਥਨੋ ਬਿਟਾਰਿਓ ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚੁਰਾਵੋ ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ ਰਹਾਓ ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭੁਯੰਗਾ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੈ ਇਕ ਸੰਗਾ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦੈ ਬਾਸਾ ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੈ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ
गुरु के इतिहास का स्थान ते पिछले कुछ रोज तो आउन वाले निकट भविख विच भगत रविदास जी हुरां दा प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी अमृत गुरबाणी विच भगत जी हुरां दे मुखारबिन तों उचारण कीते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी अमृत गुरबाणी विचले बचन उन्हां दी विचार आप लड़ीवार रूप राही श्रवण करदे आ रहे हो और अज भी इसे विचार लड़ी दे अधीन भगत जी हुरां दे मुखारबिन तो उच्चारण किया होया ये बचन रागां दे सिरलेख हेठ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे राग गुजरी और पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंक 525 ते ये बचन सुभायमान है। अज दे इस विचार अधीन बचन दी विचार प्रारंभण तो पहला भगत जी सानू इन्हां बचना दे राही की कुछ करन दी प्रेरणा दे रहे ने। शब्द दी विचार नाल जुड़न तो पहला वो जान लेना साडे लई अति जरूरी है। भगत जी हुरां अमृत बचन दे राही जो उपदेश सानू बख्शे है कहन लगे दुनिया दे लोग रब दियां मूर्तियां बना के ते उन्हां अगे फुल धूप माया दुध इत्यादक इदां दे पदार्थां दे नाल उन्हां मूर्तियां नूं अर्पण करदे ने, भाव उन्हां दी पूजा करदे ने ते पूजा करन वाले फुल अर्पण करन वालियां दे तूफां तखाउण वालियां दे जेहन विच ए है भी शायद इस तरह किसी मूर्ति दे सामने फुल धूप इत्यादि के सुगंधियां अर्पण कीतियां परमात्मा प्रभु बड़ा खुश होएगा। भगत जी कहिंदे दुनियादार लोकां दी विचार है पर प्रभु दे प्यारियां दी ये विचार नहीं है भी रब तूफान दा जां थाल विच दीवे रख के उहदे सामने घुमाया जां दुध फुल इत्यादक सुगंधियां अर्पण कीतियां रब खुश हुंदा है कहिंदे नहीं हुंदा। मकसद सारियां दा परमात्मा नूं पाउंदा है पर फिर जिस महापुरश का आने वाले निकट भविख में आप प्रकाश पुरब मना जा रहे हैं वो कहें भी इदा नहीं खुश होना। महाराज किवें होना है दसो वो कहें भी उन्हें तन ते मन करके उस मालक नूं समर्पित करिए मन भी ते तन भी फिर वो जड़ा माया दी कालख तो रहत परमात्मा आ तन ते मन अर्पण कीतियां
ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਖਾਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਥਾਲ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੱਜਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਫੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਨ ਔਰ ਤਨ। ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਪੂਜਾ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਿਫਲ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਜਪਣ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜੋੜਨਾ, ਉੱਧਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਅਰਪਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਿਟਾਵੇਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟ ਹੀ ਰਾਮ ਕੀ,
रब परमात्मा नू जपना उहदे वाले सुरत जोड़नी ये घाटी बड़ी औखी है। इस घाटी वल तुरीए ना सच्ची मुची मन का दम घुटदा है। घाटी चढ़ना होए ना शरीर निडाल हो जाता है, पैर जवाब दे देंदे ने, नहीं तुरिया जाता। इस तरह रब परमात्मा दे नाम नू जपन वाले पासे किते मन नू तोरीए ना बैठीए भी तुर जप इनू मौत पै जांदी, इहदा भी दम घुटदा है, बड़ा इनू तुरना हो। हाँ दुनिया वाले पासे निवाण वाले पासे बड़ा भजदा है, इनू तोरन की लोड़ भी नहीं, अपने आप कुददा है छाला मार। तो बाबा जी ने जिक्र किया अमृत गुरबाणी में, कहन लगे भी सोइना अर्पण करन वालिया इहदे नाल मालक परमात्मा ने नहीं उरिजना। सची मुची जे धर्म माया दे बदले मिलदा हुंदा ना, आपां कहीए भी मेरे कोल धर्म कमाउण जोगा वक्त नहीं है, लो मेरे कोल माया बड़ी आ, मैं माया बदले च दे सकदा ते मैनू कमाया होया बदले विच कोई धर्म दे दे, बाणी कर कहिंदे नहीं हो सकदा, तैनू खुद नू धर्म कमाउणा पैणा है। जे इस प्रकार हुंदा ते सची मुची ओनू गरीब दी नहीं बात मैं करदा, पर मायाधारी ओनू कदों दे अव्वल दर्जे दे धर्मी बने हुंदे। पर ऐसा होना नहीं, कुदरत दा कादर दा नेम आ। तो फिर जे माया नाल सोइना चांदी अर्पण कीतिया खुश नहीं होना, तो आओ बाबा कबीर साहब नूं पुछिए भी महाराज खुश किवें हुंदा है रब परमात्मा। उन्हां बचन कह कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, कंचन दा अर्थ सोइना। कोई बंदा सोइना अर्पण करके कवे भी हुण तां मैं जिहड़ा मंदर बन रहा उहदा गुंबज जिहड़ा है उहदे लई जिन्ना सोना लगा वह मैं अपने परिवार वालों ही दान किया, लो हुण मैं जो मर्जी करां, हुण मेरी रब की दरगाह विच सब तो वड्डे जिहड़े मेरे नाम की प्लेट लगी होवेगी भी आह बंदा धर्म मंदर लई, धर्म मंदर दे गुंज लई आह सोना अर्पण करन वाला है। बंदे भरम पा लिया, पर बाणी कर कहिंदे भी नहीं इदां गल नहीं बननी, इह तेरा भुलेखा है। हाँ धर्म कारज लई तू अपनी दसां नौवां दी किरत विच्चों कुछ माया अर्पण कर, चंगी गल है, तां जो धर्म दे कारज चलदे रहन, इत्थों लोड़वंदां दी मदद हो सके। तू सोइना थोड़ा बहुत अर्पण करके धर्म मंदिर विच दान करके ते बदले विच ए मान हंकार करें भी आ मैं दिता है ते हुण मेरे वर्गा कौन है, तो बाणी कर कहिंदे भी नहीं, फिर नहीं गल बननी। कंचन स्यों पाईऐ नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। हाँ रब मिलदा है, सोने दे बदले विच नहीं मिलदा। आपां कहीए ना भी धर्म मंदिर लई मैं इन्नी माया इन्नी चांदी इन्ना सोना दान दे के ते बदले च लै लांगे, नहीं। तुसी देखो ये मन अर्पण कीतिया, बाणीकार कहिंदे भी परमात्मा प्रभु मन अर्पण कीतिया मिलना है। जथा शक्त कोई 500 कोई 1000 दी रसीद कटाउंदा है गुरु घर दे कारजां विच, पर गुरबाणी कहिंदी इहदे नाल धर्म दे कारज हो सकदे ने। ठीक है तू अपने दसां नौवां दी किरत कमाई विचों दसवंध अर्पण कीता है, पर इहदे बदले च परमात्मा नहीं मिलना, वो मन अर्पण कीतिआं उहदी प्राप्ति है। कंचन स्यों पाईऐ नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। जिन्ना रब नूं बदले विच लिया है
उन्हें बदले विच अपना मन अर्पण किया है। मन दे बदले परमात्मा, और आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अमृत गुरबाणी विच सानू बख्शिश की है भगत रविदास जी हुर ने कि जे मालक परमात्मा प्रभु नू पाउणा है ते जेड़े तरीके आ दुनिया अपना के अपना मन प्रसन्न कर रही है ना, भी लो मैं सवेरे सवख्त उठदा दातन कुरला करके ते मैं चाह दा कप बाद विच पीना, पहला घर विच बनाए हुए पूजा अस्थान ते जाके ना जिथे देवी देवत्यां दीयां मूर्तियां पहला मैं उत्थे तूफ तखाउणा, फिर जथा शक्त भेटा भी रखदा, उत्थे जोत भी जगाउणा, उत्थे जिन्ना कुछ मैं उन्हां नूं खुश करन वास्ते कर सकदा, फुल इत्यादिक दुध दा भोग भी लवाउणा। मिलणगे लोक जिन्हां अपने घर विच नेम बनाया है भी एक छोटा जिहा पूजा आलिया बना के ना, छोटा जिहा उहदे विच हर प्रकार की मूर्त रखी हुई है, हर प्रकार की। हालांकि वह मूर्तां वाले महापुरख जो कहिंदे ने वह भावें ना खाने असी अपने धारण करिए, पर असी इन्ने च खुश हाँ भी महाराज तुहानू कई कई मिलणगे लोग भी जिन्हां अपने घरां विच जां अपनियां दुकानां ते अवतारां दीआं भी मूर्तां लाईआं, तस्वीरां विचे गुरु साहिबानां दीआं भी तस्वीरां लाईआं, तो कई बार असी दा भी बंदे ने एडा वड्डा ये अजायब घर तां बनाया है, पर जे इन्नियां बेड़ियां कट्ठियां करके गल ही नहीं मननी किसे ते असवार होना ही नहीं, तो फिर इन्नियां बेड़ियां कट्ठियां करन दा लाभ की है। बेड़ी एक ही होए बड़ा चंगा है भी जे उस अवतारी महापुरख का बचन मन के उन्हों कमाया जाए, पर उधर नहीं तुरना। असी सिर्फ जोत जगा के दीवा बत्ती बाल के धूफ करके थोड़े बहुते नेम ना लगे फोटो दे फुल सुट के इन्ने नाल ही अपने मन की तसली करके बैठे हैं भी बस ये कुछ ही है, दो अगे कुछ नहीं। पर बाणी कर कहिंदे भी असल विच कहानी इत्थे ही समाप्त नहीं होनी, एदो अगे बड़ा पंध है जिहड़ा तू तय करना है, इत्थे ना रुकिया रहो भी केवल दो फुल तोड़े ने ते किसे मूर्त दे सामने सुट के थोड़ा जिहा दुध दा उहदे मूँह नूं छवा दिता है चमचा, ते तू कमे भी मेरे वर्गा कौन है, मैं बाद विच अपने मूँह नूं कोई पदार्थ दुनियावी लाउणा, पहला मैं अपने भगवान की मूर्त नू भोग लवाउणा, मेरे वर्गा कौन है। बाणी कर कहिंदे भी तेरे वर्गा सच्ची मुची कोई नहीं, ये काम तू करदा है, पर इत्थे नहीं रुकना, एदों अगे अजे बड़ा पंध है जिहड़ा तू तय करना है, इत्थे रुकावट नहीं, अगे तुर। तो आओ भगत रविदास जी हुरां ने जो पावन पवित्र विचार अधीन इस गुजरी राग दे पावन पवित्र गुरवाक राही जो उपदेश सानू बख्शिया है वह फिर ध्यान विच लियाईए। भगत रविदास जी कहिंदे भी मैं दुनिया वाले जिहड़े कर्म दुनिया दे लोक किसे मूर्त सामने करदे ने मैं वह नहीं करदा। भगत जी तुसी की करदे हो, वह फिर दसदे ने तन मन अर्पो पूज चरावो। लोक फुल चढ़ाउंदे ने, लोक दुध मूर्तां नूं अर्पण करदे मिलणगे।